हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है सीएमएन न्यूज। खबर चलाना पड़ेगा पत्रकार को महंगा। जी हाँ, खबर चलाना पड़ा पत्रकार को महंगा। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। खास खबर में आज बात करेंगे ऐसी खबर की जो आपके पैरों तले से जमीन को खिसका सकती है और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या एक रिपोर्टर को अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ऐसा कुछ झेलना पड़ेगा। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। खबर दिखाने पर मिलती हैं धमकियां, खबर दिखाने पर लगते हैं पोस्टर, खबर दिखाने पर लगता है प्रतिबंध, खबर दिखाने पर लगते हैं गंभीर आरोप। सीएससी बिलारी की खबर दिखाओगे तो पत्रकारों के फोटो लगाए जाएंगे दीवारों पर। जी हां, सीएससी बिलारी में यदि कोई पत्रकार किसी भी तरह की कोई भी खबर बनाने जाएगा तो उसे पहले सीएमएस की इजाजत लेनी पड़ेगी। सही सुना आपने, बिना इजाजत के अब सीएससी बिलारी में किसी भी पत्रकार की एंट्री नहीं होगी। ऐसा ही आज बिलारी सीएससी के गेट और अंदर देखने को मिला, जहां दीवारों पर हमारे संवाददाता दानवीर सिंह की फोटो लगवाकर उस पर साफ लिखा गया कि बिना अनुमति के अंदर दाखिल होना मना है। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि दो दिन पहले हमारे चैनल ने स्वास्थ्य केंद्र की उस खबर को चलाया था जिसमें स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही थी। दरअसल हुआ यूं कि एक महिला अपनी आंख की दवाई सीएससी बिलारी में लेने आई थी। चेक करने के बाद डॉक्टर ने आंख के कुछ ड्रॉप और खाने की दवा बाहर मेडिकल से लिख दी, जो महिला का पति लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। महिला ने डॉक्टर के सामने ड्रॉप डलवाया। जैसे ही ड्रॉप डाली तो महिला को चंद मिनटों के बाद मुंह से और नाक से खून आने लगा। महिला के पति ने सीएमएस संदीप गुप्ता और डॉक्टर गौरव से शिकायत की, लेकिन महिला के पति सतीश की बात सीएमएस संदीप गुप्ता और डॉक्टर गौरव ने अनदेखी कर दी और 3 बजते ही चलते बने। महिला का पति अस्पताल में चक्कर काटता रहा, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने महिला को नहीं देखा। मीडियाकर्मी अस्पताल में अचानक पहुंचे तो महिला और महिला के पति को परेशान देखा और पूछने पर महिला और उसके पति ने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई। क्या नाम है आपका? शशि। क्या समस्या आपको हुई थी अस्पताल के जाने के बाद? दवाई लेके आए आँखों की, तो वो आँखों में दर्द रुक डर होगा के बाद का कहते मतलब मुँह से खूना और फिर नक्की चल पड़ी। फिर लौट के अस्पताल को गए तो मतलब कोई कहे 3 नंबर में चले जाओ, कोई कहे 5 नंबर में चले जाओ। सिगरेट भागे दौड़े, फिर हम नीचे थमला से चौखट से हाथ ऐसे पकड़ के बेडरेट से गए। वहाँ कोई गौर भी नहीं कर रहा था। कोई डॉक्टर था अस्पताल में? हाँ, डॉक्टर सिगरे में एक में एक कमरा में ना थी। लेको बुला के तो ले गए, तो उनने कही डॉक्टरों के पास जाओ। तो फिर गए तो उनके ध्यान गए, तो फिर वहाँ पर आ गए नीचे मुँह में से कर रहे तो मतलब गिल्टा से खून के आए। तो वहाँ पर फिर हम लेट गए, फिर हमें ना पता का हो। सर, हम दवा लेने गए थे बिलारी अस्पताल में, दवा लेने गए थे। वहाँ पर दवाई जब ली, डॉक्टर ने लिखा था मेडिकल से दवाई लिखी, अपने आप कुछ दवाई वो दी थी। देख के वो देखने के बाद में वो जब दवाई डाली एक आँख मुंह में तो पलटी ब्लेट आया था, खून बहुत मोटे मोटे कट्टे, फिर नक्की भी चल पड़ी, पानी भी दिखा। दोबारा अस्पताल पहुँचे, दोबारा फिर कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, उठ उठ के भाग गए थे। कौन भाग गए? डॉक्टर। क्या बज रहे होंगे लगभग उस टाइम? करीब नहीं, 1 बज रहा है 3 नहीं बज रहे थे 1 बजे का भाग गया था। हाँ, तो डॉक्टर साहब से आपने शिकायत की थी? हाँ, करी थी शिकायत। डॉक्टर ने वो कही इसमें चले जाओ, कहीं उसमें चले जाओ। वो गाने कैसा, कोई लंच में हो गया, कोई छुट्टी हो गया, उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं करी। वो तो आप लोग पहुँच गए तो हमारी मदद कर। अच्छा, क्या हमने आपसे कैमरे पे कोई जबरदस्ती करवाई? नहीं, नहीं नहीं, कुछ नहीं साहब, आपने अपनी मर्जी से नहीं नहीं हाँ अपनी मर्जी से आपने, हमारे तो भगवान उतर आए ऐसे मान के चलो। डॉक्टर की तरफ से कोई राहत नहीं मिल पाई? नहीं नहीं, कोई राहत नहीं मिली। हाँ, हमारी ठंडा हो गया, इंजेक्शन बाहर से भी आए हैं, मेडिकल बोतल भी चढ़ाई है। एक बाद में ये करिए, जो आप आए तब नहीं, पहले से कोई सुनवाई नहीं थी। उसी दिन हमने डॉक्टर से फोन पर संपर्क करना चाहा। सेवा संदीप गुप्ता ने डॉक्टर गौरव का नाम लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया और महिला की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया।
इसे लेकर जब हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। जी हाँ, स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हमारे जाबाज संवाददाता दानवीर सिंह के पोस्टर लगवा दिए गए और साफ शब्दों में लिख दिया गया कि प्रवेश प्रतिबंधित। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर पीड़ित महिला के पति सुनील कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या हुआ था आपके साथ, जरा विस्तार से बताएंगे? हाँ जी सर, जरूर बताएंगे जी। क्या हुआ था सर? दवाई दी थी जी, हम बिलारी आए थे दवाई देने दिलवाने के लिए आंखन के जी। तो दवाई कुछ डॉक्टर साहब ने अपने पास से दी, कुछ बाहर से लिख के दी थी जी। और लिखने के बाद में जब दवाई हमने ये बूंद उसमें डाली थी तो मुंह की राय ब्लेड आया था खून जी, नाक की राय खून बहुत आया था जी। तो हम काफी घबरा गए, आपको बताया वहां पर मोटा मोटा भी ज्यादा खून आया था जी। तो हमने डॉक्टर साहब के पास दोबारा गए थे जी। तो हमने डॉक्टर साहब से कही थी, मैंने कहा डॉक्टर साहब देखना हमारे मरीज के लिए क्या होगा, क्या दिक्कत है, मैं आगे दवाई जाऊँ। तो उन्होंने कोई खास करके गौर नहीं दी थी जी। तो जब आपके साथ, जब आपके साथ सुनील जी ये सब हुआ तो क्या आपने उसकी शिकायत किससे की? नहीं, डॉक्टर साहब के पास हम दोबारा गए थे जी। तो दोबारा डॉक्टर साहब ने हमारी कोई भी वहाँ सुनवाई नहीं, उन्होंने कहा ब्लड चेक करा लूं जी और आप बाहर दिखा दो जी। हाँ, मैं आपने बाहर करा लो जाकर। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा आप, हम आपके पास में आए, आपकी आस ले गए, तो मैंने ऐसी बात क्यों कर रहे हो जी। तो उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने बाद में वो वहाँ पे गए थे तो एक महिला वहाँ पर बैठी थी, वो उसने भी गौर नहीं दी जी। हाँ, फिर भैया जी, जब ये भैया जी ने हमारी बहुत मदद करी थी, आपको बताना है कुछ, हमारे रिश्तेदार थे, नहीं कुछ जानने वाले थे, इन भैया ने हमारी बहुत मदद करी थी। किसने मदद की आपकी? आपके जी, हमारे जी भैया जी, इनके नाम है पत्रकार जी। अच्छा, तो पत्रकार से आपने किस तरह से संपर्क किया, क्या वजह रही जो आपको मीडिया से बात करनी पड़ी? हाँ, ये बाहर थे सड़क के पास जी, वहाँ पर ये, हम तो वहाँ पर घबराए थे, फिर मैंने कोई डॉक्टर मिले मैंने या कोई रिक्शा मिले जी। तो हमने इन्हीं के पास हमने कही, तो इन्होंने जी हमने हमारे साथी बोले देखे कौन सा नहीं जाएगा क्या जी। और जब इन्होंने भैया जी ने जब किया था तो इनके पास में तो एक दो डॉक्टर आए थे और सारे सब बच गए थे जी। हाँ, तो इन्होंने भैया जी ने फिर बहुत कही सुनी उनके साथ से, तो उन्होंने फिर एक डॉक्टर ने दवाई दी। तो अभी सुनील जी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके साथ? क्या मुकदमा होना चाहिए हमारी मैडम के लिए, कुछ और भी हो जाता तो क्या होता? किसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए? और ये डॉक्टर साहब थे उनके पास मुकदमा खिलाफ होना चाहिए। तो क्या आपने कहीं तहरीर वगैरह कुछ दी है, इसकी शिकायत दी कहीं आपने? हाँ, तहरीर दी है मैंने। किसको शिकायत दी आपने? कप्तान साहब के लिए दिए मैंने जी। तो क्या कहा एसपी साहब ने आपको, क्या आश्वासन दिया? अरे कुछ नहीं किया है, मुझे बोला कुछ नहीं, उन्होंने ले ली मेरी जी। जी, शुक्रिया सुनील जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दानवीर हमारे संवाददाता बिलारी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानवीर, क्या खबर दिखाना पत्रकार को अब महंगा पड़ेगा? सर ऐसे मैं जब खबर बनाने पहुंचा था तो ये महिला पिलकती हुई हमने देखी थी और इनके पति बाहर घबराए हुए फिर रहे थे जी। तो हमने इनके, इन्होंने हमसे कहा कि आप पत्रकार बंधु हमारा थोड़ा देख लीजिए, डॉक्टर साहब यहाँ से सब बाहर गए हैं। तो अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं था, मैंने अपने कैमरे में इनका जो ब्लड पड़ा था वो क्या दिया था और इनके बयान लिए थे। इन्होंने हमें बताया कि सर के जो हमारे जो डॉक्टर ने देखा वो डॉक्टर अब जा चुके हैं और जो CMS संदीप गुप्ता जी बैठे उन्होंने हमारे सामने ही मरीज ने हमारे सामने ही संदीप गुप्ता जी से कहा, तो संदीप गुप्ता जी ने भी इनकी बात पर ना ध्यान दिया और चलते बने। संदीप गुप्ता जी हमारे सामने डॉक्टर बैठे थे, डॉक्टर गुप्ता जी चलते बने और संदीप गुप्ता जी चलते बने। फिर हमने CMS साहब को फोन करके कहा था, भाई सर एक बार देखिए महिला की हालत ज्यादा बिगड़ रही है। तो संदीप गुप्ता जी ने कहा डॉक्टर गौरव देखेंगे, लेकिन डॉक्टर गौरव भी वहां पर लापता हो चुके थे, मात्र एक डॉक्टर थे। उसने महिला को दवाई लगाई, उसके बाद बोतल भी लगाई थी हमारे सामने, लेकिन महिला की हालत चली जा रही, कोई भी डॉक्टर सही से देखने के लिए तैयार नहीं था सर जी। दानवीर, अगर इस मामले में जिले के बड़े अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा आपको? सर मैंने जो खबर प्रकाशित की गई तो मेरे ही पोस्टर छपा कर भाजपा से फोटो निकालकर CMS साहब द्वारा अस्पताल पर लगवा दी गए और अभी तक उस बात में पूछने कल खुद पत्रकार साथियों के साथ अस्पताल पहुंचा था। तो अस्पताल में जब पहुंचे तो CMS साहब से बात की, CMS साहब कोई भी बात करने के लिए
तुम्हारे मेरा नाम खोलकर एक तहरीर थाने में दे दी। आठ दस पत्रकारों के साथ, दबंग लोगों के साथ आप वहाँ मेरे अस्पताल गए थे दानवीर सिंह, और तोड़फोड़ करिए और तरह तरह की बातें उसमें तहरीर में दे रहे हैं। और थाने में जो कि हम भी बोले थाना प्रभारी ने भी कारागार सीओ सामने आदेश कर दिए हैं। तो क्या होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, क्या अभी के आगे की क्या रणनीति है? जो पीड़ित पक्ष है आपके पास में, इन्होंने भी कोई उनके खिलाफ तहरीर दी है? ये पीड़ित पक्ष हम आज भी मिले हैं, हमने भी तहरीर प्रार्थना पत्र दिया है सीएमएस के पास, सीएमएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए, और सीएमएस ने जो हरकत की है उससे पूरा उसे भी दंड मिलना चाहिए और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जानी चाहिए। उच्च अधिकारियों से हम कभी संपर्क करना चाहते हैं, सीएमओ वगैरह से, तो फोन नहीं उठवाता। सर इसमें जैसे कि जो पोस्टर लगा रखे हैं उसमें लिखा है कि प्रवेश नहीं कर सकते अंदर, प्रवेश नो एंट्री लिखा है हमारा अंदर अस्पताल में, तो हमने सीएमएस साहब से, हमने इस विषय में चर्चा करनी चाहिए बार बार कि यदि ऐसी कौन सी वजह है, क्या अधिकार सीएमएस साहब को मेरा अधिकार है कि किसी को अंदर जाने से रोके? जी मैं उस अधिकारी को काफी शिकायत कर सकता, मैंने भी सीओ साहब को प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ इस विषय में। ठीक है जानवीर जी, आप इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, फिर से आपका हम रुख करेंगे। क्या सच दिखाना गुनाह है? क्या एक पत्रकार को सच दिखाने पर धमकियां मिलेंगी? क्या फर्ज निभाने पर पत्रकार के पोस्टर लगाए जाएंगे? या फिर खबर चलाना पत्रकारों को महंगा पड़ेगा? सवाल तो यहाँ पर कई हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सबका जवाब आखिर कौन देगा? फिलहाल आज के लिए खास खबर में इतना ही, लेकिन तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।